ये देखिए हमारी तमसा माँ खूबसूरत दिख रही हैं और जल निर्मल लग रहा है। इंसान को संदेश देना है कि इसमें प्लास्टिक कचरे वगैरह ना फेंके, वो गड्ढा बना करके उसमें गोबर डाल के ढक दिया करें। एक मिनट, ये बहुत बढ़िया नदी दिख रही है अभी और इसमें पूरी काई जमी हुई है, एक नाव टूटा हुआ रखा हुआ है और इस साइड में आपको पूरी हरियाली दिख रही है और इस साइड में हरियाली कम है। तो जहाँ पे हरियाली ज्यादा है वहाँ पे कटान कम है, लेकिन जहाँ पे हरियाली कम है वहाँ पे कटान ज्यादा है और नदी उस साइड को शिफ्ट हो रही है जहाँ पे पेड़ नहीं है इस वक्त, क्योंकि वनस्पतियों से जमीन कटती नहीं है। हाँ, और ये जो ग्रीन काई दिख रही है ये बताती है कि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम है इस वक्त और मछलियों का जो अंदर का जो सिस्टम है वो अपने को अब समझना पड़ेगा कि यहाँ के लोग यहाँ कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक जाल लगा हुआ है, राइट, वो छोटा तालाब लोगों ने बना रखा है मछलियों को। इसका मतलब कि मछलियों की संख्या यहाँ पे कम हो रही है, इसलिए लोगों ने ये तरीके अपना रखे हैं। इसको लोग टेक्निक बोलेंगे लेकिन एक्चुअल में अभाव है इसलिए किया गया, वरना अगर पूरी तरह मछली मिलती तो ये लोग नहीं करते। और हर एक किनारे पर लगातार ऐसे देखने को मिल रही है। शरीर जितनी भी सुंदर हो जब भी निकल जाए ना मिट्टी हो जाती है, उसी तरह से आश्रम कितना भी सुंदर है अगर वहाँ योग्य पुरुष नहीं रहेगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। ये जैसे साग सब्जी आप लोग उगाते हैं ना, तो ये भैया बता देंगे आपको जो है कि किस तरह से हम गोबर से खाद बनाएंगे। गोबर आपका यूरिया डाई पोटास जिंक और ये सब रासायनिक खाद से आप मुक्ति पा जाएंगे और अपनी गाय के गोबर से बढ़िया खेती और लहलहाती फसल प्राप्त करेंगे। कौन मार दे? देखना गंदगी है इधर। माता जी नमस्ते, ये खेत किसका है बेटा? ये खेत किसका है माता जी? हाँ, बलिया का? क्या नाम है उनका? सलमान अजिया दिल्ली में। मला का गांव कौन सा है? अच्छा, गांव का कुल पड़े हल जाता है। हां तो कुल पड़े नहीं हिलेगा, हमरो फोटो खींच जाते का। हां हां, अरे आप इतना अच्छा काम कर रही हो, गिरे हुए धन को भाई बटोर रही है कि आपका खेत है या किसी का। कहाँ रहती हो माता जी आप? कहाँ रहती हो?
बताएं कि ये गांव कौन सा जहाँ पे हमने हैं इस वक्त? इस गांव का नाम सोनावर है। सोनावर है, सोनावर। और आपका क्या नाम है बाबा? हमारा तो मुन्नू मल्ला है। मुन्नू मना मल्ला मल्ला। तो आपकी कितनी उम्र है बाबा? बाबा मेरी उम्र करीब करीब 60 से ऊपर। अच्छा, आप 60 साल के इतने हसपुस, और वो बच्चा 35 साल का है, उसकी हालत बहुत खराब है। भाई मेरा भाई छोटा जो सावन। अच्छा, तो आप महाराज जी थोड़ा सा फरार कर लीजिए आप। अभी हम लोग लौट के आते हैं, हम एक बार गांव घूमने नदी का काम, थोड़ा सा फरार कर लेते तो हमारा थोड़ा आत्मा। तो बाबा ये जो आपने मुझे बताया कि कितनी पीढ़ियों से आप इस गाँव में रह रहे हैं, मतलब आपको कुछ किसी ने कोई कहानी आपके परिवार ने बताया कि कब इस गांव में कैसे आप लोग आए? महाराज हम लोग देखिए वहाँ पर है, वहाँ पर घर में होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर आ गए, एक बाबू साहब बता दिए हम लोग। अच्छा, कौन से बाबू साहब थे वो? बाबू चंद्र का थे। अच्छा, हम लोग बता दिए। कितने साल पहले की बात है ये? अरे करीब करीब 75 से हम लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ पर बाप दादा जो है वहाँ पर रहते हैं। पहले पता नहीं कितना कितना दिन से रहते हम लोग पता नहीं। अच्छा, हाँ मैंने 60 साल में माने जाए 60 साल की हमारी उम्र हो चुकी है। अच्छा, तो बाबा आपका मुख्य व्यवसाय क्या है यहाँ पे अभी इस वक्त, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? करते हैं कुछ नहीं, हम लोग खेती बाड़ी कुछ नहीं है। अच्छा, ना खेती है। और कैसे जीव क्या चलाते हैं? नौका रहा, पुल बन गया। यही मेरे पास जब दरिया मैंने हमारे भरल रहे खाली हो जाए तो गंजी उंजी सब रोकते हैं। पहले के जमाने गंजी, अच्छा हाँ, ये सब में तैयार हो जाए खाने लोग। आज दूसरी बात की पानी में बोरू उरू पहले रोपा है। अच्छा, धान हाँ बोरू उरू मैंने रोपा है पानी किनारे बनिए में। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, मल्ला मारते हैं वही कुछ नाम याद है? अच्छा, अब आज के युग में क्या वो मछलियाँ मिलती है? नहीं, कौन सी ऐसी मछली है जो नहीं मिलती है अभी? नहीं नहीं बोलिए बोलिए। मछली यही है कि पाम मिलता है, टेगर मिलता है, बड़ी मिलता है, रोहू मिलता है। पहले ये सब मिलती थी? नहीं, हाँ पहले भी मिलती थी। अच्छा, और इसके अंदर जो घास फूस होती थी वो कौन कौन सी थी पहले? घास हुई है मैंने हरी हरी में घास तो जो नले बोले जाले कि नदी में पानी में। हाँ हाँ, पानी के अंदर का उसके बाहर। और उसके अलावा कौन सी घास होती थी? कोई नहीं था। आस पास जड़ी बूटी पौधों को पहचानते हैं कौन सी थी? पहले तितलियाँ खूब होती थी यहाँ पे। तितली 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 हाँ बहुत, अभी पहले खूब होती थी कि अभी ज्यादा होती है? अभी अब तो सफेद में रहती हैं, पीली में रहती हैं। और पहले रंग बिरंगी होती थी? हाँ, पहले तो हम लोग देखा नहीं। और जुला जुला जो पितंगा ने, हाँ पितंगा उठते हैं। अब पहले ज्यादा थे कि अभी कम है? 60-65 साल कैसी तितलियाँ थी यहाँ पे? 60-65 साल जुला कैसे थे पहले? पहले मुसलमान नहीं, जोला जोला वो जो जो था ना ड्रैगन फ्लाई, क्या बोलते उसको? सब खत्म हो गए ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बहुत गीत पहले बहुत थे, गीत बहुत थे, लेकिन अब गीत तो साहब एकदम टूटा नहीं लगते। अच्छा, गीत नहीं लगते? हाँ, गीत नहीं आते। और चील? चील लगती है। अच्छा, कभी कभी चील जो है लगती है। अच्छा, और उस टाइम यहाँ का जनजीवन कैसा था? लोग नदी के साथ जैसे भी लोग जा रहे हैं, तो ये नहाने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं? हाँ, ये स्नान करेंगे, वो स्नान करने जाते हैं और माँ के दरबार में पूजा करेंगे। अच्छा, वो दरबार तो सदियों से ये परंपरा है कि वहाँ से नहा कर तब पूजा करेंगे। पूरा जब से मल्ला जी लोन को है, ये गिरी बाबा है। अच्छा, गिरी बाबा मैंने गोसाई लोग, ये लोग हम लोगों के जब से होश हुआ तब से देखे कि नवरात्र में 9 दिन नहा करके और वहाँ जल देते हैं और अंतिम दिन यहाँ पर जल देते हैं। अच्छा, ये यहाँ के गांव में इस तरीके से नदी से जुड़ा हुआ है सबका? हाँ, यहाँ पर मंदिर देवी का स्थान है। तो ये मंदिर बहुत पुराना है? हाँ, पुराना मंदिर है।
तो पहले आप लोग इस नदी से कुछ जीविका कमा लेते थे नाव चलाकर या? हाँ, नाव चला करके इस पार हम लोग आदमी करते थे ना। हाँ, तो हम लोग को पैसा तिलका मिला ना, एक नवा तीन नवा, दो रुपया पानी तो मिलता है। हाँ, तो पहले ये कार्ड तो उससे जीविका चल जाती थी। अभी जीविका का कोई साधन नहीं? नहीं, अब वो तो खत्म हो गया। पहले घर की महिलाएं क्या करती थी? पहले वही हम लोग जैसे माने मजदूरी करते हैं, मजदूरी हम लोग घर की नहीं करती। अच्छा, नहीं, हमारी बिरादरी जो है मजदूरी नहीं करती है, हम लोग अपना। नहीं नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि नदी से जो मिट्टी निकालते थे क्या उसका इस्तेमाल करते थे आप लोग? क्या उससे क्या मतलब, चूल्हा उल्ला बनता था कुछ? हाँ, चूल्हा उल्ला माने दीवार है पोतने के लिए। हाँ, माटी दिया है। अच्छा, वो कवन काम लग जो पीली दुबिया माटी होती है वही मट्टी जा करके दीवार हम लोग पोत ली। तो नदी के बीच से निकलता था कि कोने से? नहीं, ये तो आरी से बीच में था। अच्छा, अब निकालते हैं क्या आरी से? बहुत कम निकलता है। अच्छा, बाल धोने वाला मिट्टी भी निकलती है। चिकनी मिट्टी? हाँ, वो भी निकलती है। कितनी जनसंख्या होगी इस गांव की? वो मट्टी जो है, कोई मट्टी ये जो लगी है मट्टी की। अच्छा, तो पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? अब कितना बतावा जा पाए। आप जब 60 साल पहले थे कितने घर थे? अब घर है लोई 40। 40 घर? और अभी हो गया, अब 80 घर हो गया, डबल हो गया। और कितने लोग यहाँ रहते हैं और कितने लोग शहर में रहते हैं? अब पहले शहर में थोड़ा ना, अब शहर में जाते हो गए। अच्छा, लेकिन गांव से जुड़ाव है उनका? हाँ, गांव से सब। और जैसे ये सरपत आपने काट के रखा है ना, सरपत ये पहले नदी किनारे होता था सरपत? हाँ। और अभी? अभी हो रहा था। अच्छा, तो कितने रुपए बंडल ये सरपत बिकता अभी? कोई बेचता नहीं, पानी मंडी खाने के लिए जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे आज बढ़िया है तो अरे किस्म किस्म की दवा बन रही है, तो सब्जी को डाला जाता है, उसका जहर कहाँ जाए, आदमी खाता है। हाँ, तो आपको पता है कि रसायन हानिकारक है? अच्छा, कभी सोचे कि क्या बिना रसायन की खेती भी बनाए? हाँ, गाय जो खाद बनती है। हाँ, तो नहीं बनाए। क्या क्या जहर पड़ता है उसमें? अरे उसमें चार पांच खाद पड़ते हैं। अच्छा, काला भी आती है कोयला की तरह। हाँ, सबसे जहरीली खाद होती है। अच्छा, रासायनिक खाद में जो दवा के रूप में चलता है जी, वो आदमी को अगर लग जाएगी तो भी। अच्छा, कंपनी का मालिक आया दवा बनाने का जी, हमारे ही पार्टी के लेबर थे, वो कहा कि मैं तुमको 100 रुपया घंटा दूँ। हाँ, और उसने जब मास्क भी लगाया था, उसको जब जहर गया तो भी होता। अच्छा, छोटी सी मशीन में पीस रहा और दवाइयाँ डाल कर पीसी जा रही, वो डाल रहा था पीस रहा थी, उसका गर्दा लगा वो भी होता। ऐसे ऐसे ये दवाई बनाई जाती है, यूरिया डाई जी, डाई और उसमें तो थोड़ा कम हल्का है। ये दवा जो छिड़काव है डाल रहे हैं, देवता है जी, कीटनाशक इसमें जाए। बहुत बढ़िया, आपको मतलब नॉलेज है।